हेलो किड्स, मायसेल्फ पूनम कुमावत। तो इस क्लास में हम डिस्कशन कर रहे हैं आवृत बीजी पादपों में जन्म, यानी कि रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो सबसे पहले तो हमें ये क्लियर करना होगा कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट का मतलब क्या है, यानी कि आवृत बीजी पादप कौन से होते हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी चीज़ें क्लास इलेवंथ की रिकॉल करनी पड़ेगी। क्लास इलेवंथ में आप लोगों ने पंच जगत वर्गीकरण पढ़ा था, यानी कि पृथ्वी पे जितने भी जीव थे उनको पांच जगत में बांटा गया था, जैसे कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाय, यानी कि कवक जगत और पादप जगत और जंतु जगत। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले थोड़ा सा हम पादप जगत के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। पादप जगत, और आप सब जानते हैं कि जो पादप जगत है उसके अंदर हमने पांच अलग अलग वर्ग में पादपों को रखा था। जो सबसे पहला वर्ग था पादपों का वो था शैवाल, यानी कि एल्गी। ठीक है, और आपको पता है एल्गी जो है वो एक ऐसे पादप समूह थे जिनके अंदर उनका जो शरीर था वो विभेदित नहीं था, यानी कि एल्गी ऐसे पादप थे जिनके पास ना तो रूट थी, ना ही स्टेम था, और ना ही उनके पास लीफ थी। ठीक है, ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं थी, यानी कि इनकी जो बॉडी थी वो कैसी थी, जस्ट थैलस लाइक इनकी बॉडी थी। उसके जस्ट बाद हम लोगों ने जो सेकंड कैटेगरी देखी थी वो थी ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा, ठीक है, जो ब्रायोफाइट्स पादप थे वो कुछ इस तरीके से थे कि उनके अंदर जड़ जैसी संरचना थी, यानी कि जड़ लाइक जैसी संरचना में देखने को मिल रही थी। सत्य रूप से तो नहीं थी, सेम तने जैसी भी थी और पत्ती जैसी भी थी। ठीक है, तो कुछ इस तरह की संरचना पाई जा रही थी लेकिन सत्य रूप से नहीं प्रेजेंट थी। उसके बाद हमारे पास थर्ड कैटेगरी आई, वो थी टेरिडोफाइटा। ठीक है, और टेरिडोफाइट्स में उन पादपों को रखा गया जिनके पास सत्य रूप से जड़ भी था, जड़ थी अपस्थानिक, ठीक है, और तना भी था और पत्ती भी थी। ठीक है, इनफैक्ट इनके अंदर संवहन ऊतक यानी कि जाइलम फ्लैम की भी उपस्थिति हमें देखने को मिल रही थी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी जो हमने देखी थी पादपों की वो थी जिम्नोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म को हम किस नाम से जानते हैं, अनावर्त। तो अनावर्त बीजी, देखो स्पर्म का मतलब ही क्या होता है, सीड यानी कि बीज। तो मतलब यहाँ पे ये ऐसे पादप थे जिनके पास जड़ तो थी ही, तना भी था, पत्ती भी थी और जाइलम फ्लोएम संवहन ऊतक भी थे। इसके साथ साथ इनके पास किसकी उपस्थिति थी, बीज की उपस्थिति थी। लेकिन यहाँ पे बीज तो पाए जा रहे थे लेकिन नगन रूप से पाए जा रहे थे, मतलब नेकेड सीड प्रेजेंट थे, यानी कि बीज जो है वो अंडाशय के अंदर पाए जाते हैं, ओवरी से ढके हुए रहते हैं। तो मतलब यहाँ पे ओवरी यानी कि अंडाशय भित्ति की उपस्थिति नहीं देखी जा रही थी। और उसके बाद में सबसे विकसित जो पादप थे वो कौन से थे, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म पूर्ण विकसित पादपों में रखे जाते हैं। एंजियोस्पर्म जो प्लांट थे, यानी कि इनका नाम ही हमें पता है, इनको क्या बोलते हैं, आवर्त बीजी। तो नाम से क्लियर हो गया होगा, स्पर्मिक मतलब सीड था, एक बीज था इनके पास, और वो कैसा था, आवर था, अनावरण मतलब उसके चारों तरफ एक आवरण पाया जा रहा था, जबकि जिम्नोस्पर्म में बीज तो था लेकिन अनावर्त था। ठीक है, आवर्त बीजी जो पादप है इनके पास पूर्ण विकसित पादप है, मैंने पहले भी बता दिया, और ये दो आगे सब क्लासेस में डिवाइडेड है, जैसे कि द्विबीजपत्री डायकोट्स और मोनोकोट्स, यानी कि एक बीजपत्री पादप। तो हम बोल सकते हैं कि जो आवृत बीजी पादप है ये पूर्ण विकसित थे, जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल, बीज, यानी कि सारी चीज़ें हमें इन पादपों में देखने को मिल रही थी। ठीक है, संवहन ऊतक भी पूर्ण रूप से विकसित थे, क्योंकि जो आपने पढ़ा था कि जिम्नोस्पर्म में
पूर्ण विकसित नहीं थे क्योंकि वैसल्स की उपस्थिति नहीं देखी जा रही थी जाइलम के अंदर। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है कि जो आवृत बीजी पादप होते हैं इनके अंदर जनन कैसे होता है, ठीक है। यानी कि हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हम इन आवृत बीजी पादपों की जड़, तना, पत्ते, पुष्प, फल, बीज सब पता है, लेकिन हमें देखना है कि ये जो पादप है इनमें रिप्रोडक्शन की फिनोमिना किस तरीके से होती है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं यानी कि आवृत बीजी पादप जो होते हैं उनके अंदर एक अस्पष्ट रूप से पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। पीढ़ी एकांतरण यानी कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि इनके जो आवृत बीजी पादप होते हैं उनके जीवन चक्र में अस्पष्ट रूप से पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। तो यहाँ पे पहले हमें ये क्लियर करना होगा कि पीढ़ी एकांतरण का मतलब क्या है, कि जो पादप शरीर है उस पादप शरीर के अंदर जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं इनके पादप शरीर में दो तरह की अवस्थाएं हमें देखने को मिलती है। पादप शरीर में एक जो अवस्था होती है वो होती है द्विगुणित, ठीक है, और दूसरी अवस्था हमें देखने को मिलती है वो होती है अगुणित अवस्था। तो यहाँ क्लियर कर दूं, द्विगुणित अवस्था वो होती है जिसके अंदर जितनी भी सेल है वो सारे के सारे 2n होगी, यानी कि नंबर ऑफ गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम की संख्या जो है वो डबल रहेगी। हैप्लोइड जो होती है यानी कि अगुणित जो है वो हैप्लोइड के लिए बोला जाता है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है कोशिकाओं में आधे रहेंगे, अगुणित अवस्था वो होती है। तो जो आवृत बीजी पादप होते हैं ना उनकी जो द्विगुणित अवस्था क्या कहलाती है, यानी कि जितने भी पादप है और उनकी अगर हम द्विगुणित अवस्था की बात करें तो वो सारे के सारे कौन सी अवस्था कहलाएगी, बीजाणुद्भिद, बीजाणुद्भिद अवस्था कहलाती है, ठीक है। और बीजाणुद्भिद का मतलब क्या है, यहाँ पे स्पोरोफाइट, ठीक है। अब स्पोरोफाइट यानी कि जड़, तना, पत्ती, ठीक है, और सिंप्लीफाई अगर हम बात करें तो ये सारे के सारे जो हैं वो किसके पार्ट होते हैं, बीजाणुद्भिद अवस्था के पार्ट होते हैं, क्योंकि जड़ हो, तना हो, पत्ती हो, कोई सा भी पोर्शन अगर आप लोगे तो उन सब के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उनका जो क्रोमोसोम नंबर है वो द्विगुणित रहता है, ठीक है। तो और अगर हम बात करें अगुणित की तो अगुणित अवस्था वो होती है जिसमें क्रोमोसोम आधे होते हैं और उसको हम किस नाम से जानते हैं, युग्मकोद्भिद अवस्था बोलते हैं। तो वैसे तो इसके नाम में ही छुपी हुई है बातें, आपको पता है जब भी युग्मक बनते हैं तो मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन से बनते हैं, और उस दौरान आपको पता है कि जब युग्मक बनते हैं अर्धसूत्री विभाजन से तो उनमें क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो युग्मकोद्भिद अवस्था को हम किस नाम से जानते हैं, गैमेटोफाइट बोला जाता है। तो अगर हम स्पेसिफिक एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात कर रहे हैं बच्चों तो ध्यान से समझना, यहाँ पे अगुणित अवस्था जो होती है यानी कि युग्मकोद्भिद जो कि दूसरी पीढ़ी को प्रेजेंट करती है, ठीक है, और ये बहुत ही छोटी होती है, अल्पजीवी होती है और अत्यंत हाशित होती है, क्योंकि ये वो अवस्था है जिसमें परागकण और अंडक का निर्माण होता है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे परागकण और अंडक, ये जो है वो बेसिकली युग्मकोद्भिद के पार्ट होते हैं, और इन दोनों के बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो अगुणित अवस्था है वो दूसरी पीढ़ी को प्रदर्शित करता है, ठीक है, क्योंकि अंडक और परागकण आपस में यानी कि पोलन ग्रेन और एग आपस में जब निषेचित होते हैं तो जायगोट बनता है, और जायगोट फिर आगे किस में बदल जाता है, बीज में, युग्मनज में, और युग्मनज आगे फिर किस में बदल जाता है, बीज में, यानी कि परागकण और अंडक आपस में मिले, निषेचन हुआ, निषेचन के बाद में युग्मनज यानी कि जायगोट बनता है, और जायगोट फिर आगे बीज का रूप ले लेता है, और बीज को जब भी हम लगाते हैं तो एक नए पादप का निर्माण होता है। तो मतलब यहाँ पे जो युग्मकोद्भिद अवस्था होती है वो किसको प्रदर्शित करती है, दूसरी पीढ़ी को प्रदर्शित करती है, और
वो अल्प जीवी होती है, ठीक है, और बहुत ही हाशित होती है, अत्यंत हाशित होती है, बहुत ही छोटी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इसके अंदर फिर द्विगुणित अवस्था में क्या था। देखो, द्विगुणित अवस्था मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि द्विगुणित अवस्था वो होती है जो जिसके अंदर सभी कोशिकाओं में 2N यानी कि क्रोमोसोम का जो संख्या है वो डबल पाई जाती है। तो इसके अंदर सब चीज़ें आ जाएंगी, ये जड़, तना, पत्ती, पुष्प, ठीक है, और इनफैक्ट जो फल है वो जितने भी है वो बीजाणुद्भिद अवस्था के ही रूप होते हैं, क्योंकि उन सब अवस्था में क्रोमोसोम का नंबर जो है वो डबल रहता है। तो बीजाणुद्भिद अवस्था जो होती है वो कैसी होती है, ये दीर्घजीवी होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है, ठीक है। इसके अलावा ये स्वयं पोषी होती है, अपना खाना खुद से बनाने वाली, ठीक है। और इसके अंदर बेसिकली ये अवस्था किस में विभेदित होती है, मूल यानी कि जड़, स्तंभ, स्टेम में एंड पर्णों में, ठीक है, ये विभेदित होती है। और ये किसको प्रदर्शित करती है, तो ये प्रथम पीढ़ी को प्रदर्शित करती है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। तो आप देखोगे तो अगर हमसे यहाँ पूछा जाए कि सबसे विकसित अगर देखा जाए तो हमारी जो द्वितीयक जो यानी कि द्वितीयक पादप शरीर की जो अवस्था है यानी कि बीजाणुद्भिद अवस्था होती है, द्वितीयक पीढ़ी जो है वो ज़्यादा विकसित होती है, ठीक है, और ये जो है वो कम विकसित होती है। तो मतलब यहाँ पे अस्पष्ट रूप से, क्योंकि ये जो है वो पूर्ण विकसित है, जबकि ये इसके ऊपर क्या करती है, निर्भर करती है, क्योंकि ये अपना खाना खुद से नहीं बना सकती है। तो मतलब हम बोल सकते हैं अगुणित अवस्था अल्प आयु वाली होती है। अब उसके बाद में यानी कि हम इतना भी बोल सकते हैं कि द्वितीयक पीढ़ी जो है वो विकसित होती है, इसका स्वतंत्र अस्तित्व भी देखने को मिलता है, लेकिन अगुणित अवस्था का स्वतंत्र अस्तित्व हमें देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ये इसके ऊपर यानी कि अगुणित अवस्था यानी कि युग्मकोद्भिद जो होते हैं बीजाणुद्भिद पे निर्भर कर रहे होते हैं। अब देखते हैं कि आवृत बीजी पादपों के अंदर जनन की बात करें, तो जनन जब भी है, हमें पता है कि आवृत बीजियों में जनन की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है, अपने जैसे ही संतति को उत्पन्न करना जनन कहलाता है, क्योंकि नाम से ही क्लियर हो रहा है, रीप्रोडक्शन। रीप्रोडक्शन मतलब री का मतलब होता है पुनः, और प्रोडक्शन का मतलब होता है निर्माण, ठीक है, अपने जैसी संतति का वापस से निर्माण करना है या फिर नए जीवों का निर्माण करना, तो वो क्या कहलाएगा, रिप्रोडक्शन यानी कि जनन। तो जनन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अलैंगिक जनन, ठीक है, और जो दूसरा जनन होता है वो होता है लैंगिक जनन, ठीक है, यानी कि एसेक्सुअल, और यहां पे आ जाएगा सेक्सुअल, ठीक है। अब अगर हम अलैंगिक जनन की बात करें तो इसके अंदर हमें बहुत अच्छे से क्लियर है कि अलैंगिक जनन के दौरान हमें क्या देखने को मिलता है कि इस दौरान ना तो युग्मक बनते हैं, ठीक है, कि नहीं तो ना तो युग्मक जो है निर्माण यहाँ पे नहीं होता, ठीक है, युग्मक नहीं बनेंगे तो इनके अंदर निषेचन नहीं होगा यानी कि फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, ठीक है, और ना ही अलैंगिक जनन में युग्मक की बात चल रही है तो ना ही अर्धसूत्रण होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, और ना ही युग्मनज बनेगा, जायगोट का भी फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होगा, यानी कि ना गैमेट बना है, ना फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ना मियोसिस हो रहा है, ना ही जायगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, इस तरह की कोई भी प्रक्रिया हमें देखने को नहीं मिलती। तो अलैंगिक जनन में क्लियर है कि जो पेरेंट इस जनन के दौरान पेरेंट्स जो हैं ठीक अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं, ठीक है, तो जनक पादपों के समान ही उनकी संतति बनती है, और वो संतति आनुवांशिक रूप से भी और संरचनात्मक रूप से बिल्कुल जीरोक्स होके अपने जनकों के। तो हम बोल सकते हैं कि अलैंगिक जनन के दौरान जो संतति बनती है वो अपने जनकों के आनुवांशिक और
संरचनात्मक रूप दोनों में ही बिल्कुल समान होती है, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, क्लोन बोल सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि अलैंगिक जनन के दौरान क्लोन का निर्माण होता है। और क्लोन वर्ड कब यूज करते हैं, क्लोन हम उनको बोलते हैं कि अलैंगिक जनन के दौरान जो उत्पन्न संततियां होती है ये आनुवांशिक जेनेटिकली एंड संरचनात्मक, ठीक है, आकारिक रूप में भी बोल सकते हो, में जनक के समान होती है। यानी कि क्लोन वो होते हैं जिसके अंदर जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली अपने पेरेंट्स के बिल्कुल जीरोक्स कॉपी होते हैं। तो यानी कि यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं होता संततियों और जनक के बीच में। तो ये जो विधि होती है वो अलैंगिक जनन होती है। लेकिन लैंगिक जनन के दौरान सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, कि लैंगिक जनन की आवश्यक घटनाएं कौन सी होती है, तो लैंगिक जनन की सबसे पहली घटना होती है अर्धसूत्रण। अर्धसूत्रण का मतलब है यहाँ पे मियोसिस डिवीजन, सबसे पहली घटना। और उसके बाद में मियोसिस होने के बाद में युग्मक का निर्माण होता है। यानी कि मियोसिस का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, युग्मक बनेंगे। और ये तो थी हमारी फर्स्ट। और जो सेकंड घटना होती है वो होती है, अब जब युग्मक बन गए हैं तो नर और मादा युग्मकों के बीच में क्या होता है, संलयन होता है। तो युग्मकों के मध्य हमें क्या देखने को मिलेगा, संलयन, यानी कि फर्टिलाइजेशन, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, सिंगेमी हमें देखने को मिलती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके मेजर इवेंट कौन से हैं, तो हमारा आंसर आएगा मियोसिस एंड सिंगेमी, यानी कि अर्धसूत्रण और युग्मक संलयन जो है वो मुख्य घटनाएं होती हैं लैंगिक जनन के दौरान। और जब युग्मक संलयन होता है तो निश्चित रूप से यहाँ पे क्या बनेगा, युग्मनज का निर्माण होगा। और युग्मनज निर्माण के बाद जो संतति बनेगी वो संतति, संततियां जो हैं वो भिन्न होती हैं भिन्न होती हैं अपने जनक से, ठीक है। एक चीज आपको और भी यहां पे क्लियर होगा कि जो लैंगिक जनन होते हैं इसके अंदर दो अलग अलग लिंग के पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि एक नर और एक मादा जनक भाग लेते हैं लैंगिक जनन के अंदर। यानी कि एक नर जनक होता है और एक इसके अंदर मादा जनक, यानी कि मेल और फीमेल पेरेंट यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। तो हम बोल सकते हैं दो जनक यहाँ पे लैंगिक जनन के दौरान ये जनन की प्रक्रिया पूर्ण करते हैं। लेकिन अलैंगिक जनन में हमें एकल जनक अवस्था देखने को मिलती है, यानी कि सिंगल पेरेंट से ही ये फिनोमेना कंप्लीट हो सकती है। तो यहाँ पे लैंगिक जनन किस तरीके से होगा वो अलग है, लेकिन हम यहाँ पे पहले डिस्कशन करेंगे अलैंगिक जनन, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं अलैंगिक जनन, ठीक है। अलैंगिक जनन को हम किस नाम से जानते हैं, अलैंगिक जनन को हम असंग जनन भी बोल सकते हैं। असंग जनन मतलब एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर जो युग्मक है या दो ऐसे गुणित कोशिकाओं के बीच में संलयन नहीं होता, उसको हम एपोमिक्सिस भी, यानी कि बिना संलयन के असंगजनन, मतलब बिना संलयन के अगर नई संतति का निर्माण होता है तो उसको हम असंगजनन बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो अलैंगिक जनन है उसको हम असंगजनन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं।
तो अगर हम प्रकार की बात करें अलैंगिक जनन के प्रकार की, तो आप देखोगे कि जो अलैंगिक जनन होता है उसके अंदर बेसिकली दो प्रकार हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। एक तो होता है अनिषेक बीजता यानी कि एगेमोस्पर्मी, और एक होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन कायिक जनन। ठीक है, तो हम दो प्रकार यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, दो प्रकार से हमें अलैंगिक जनन देखने को मिलता है। दो प्रकार यहाँ पे कौन कौन से हैं, एक तो है अनिषेक बीजता, ठीक है, और दूसरा है कायिक जनन, या फिर आप इसको कायिक प्रवर्धन भी बोल सकते हैं। अनिषेक बीजता को आप एगेमोस्पर्मी भी कहते हैं, और इसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, या फिर आप इसके लिए एक और वर्ड यूज कर सकते हो, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमें दो प्रकार के अलैंगिक जनन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अनिषेक बीजता यानी कि एगेमोस्पर्मी को अगर हम तोड़ें तो हमारे सामने दो वर्ड आते हैं, एक तो आता है ए और एक आते हैं गैमस। दो तरह के हम लोग वर्ड यूज कर सकते हैं, तीन कैटेगरी में हम इसको डिवाइड करते हैं। गैमस का मतलब है यहाँ पे गैमस स्पर्मा, ठीक है, तो इनको अगर हम अलग अलग करें तो ए का मतलब होता है बिना, विदाउट, ठीक है, गैमस का मतलब होता है निषेचन, ठीक है, और स्पर्मा का मतलब मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था, स्पर्मा वर्ड यूज किया जाता है सीड के लिए यानी कि बीज। तो अनिषेक बीजता मतलब बिना निषेचन के अगर बीज का निर्माण हो जाता है, जो कि एंजियोस्पर्मिक पादपों में ही देखा जाता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नहीं समझ में आता है, क्योंकि अलैंगिक जनन का नाम आते ही हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं द्विविभाजन यानी कि बाइनरी फ्यूजन चलता है, या फिर मुकुलन बड फॉर्मेशन हो गया, स्पोर फॉर्मेशन यानी कि बीजाणु जनन हो गया, इसके अलावा अगर आप पुनरुद्भवन बोल सकते हो कि वो भी रीजनरेशन हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह की जो विधियाँ होती है ना, ये जो निम्न वर्ग के यानी कि लोअर कैटेगरी के जो प्लांट्स होते हैं उनमें देखने को मिलता है, जबकि मैंने यहाँ पे बहुत पहले क्लियर कर दिया था कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं वो उच्च वर्ग के यानी कि सबसे ज़्यादा विकसित पादप होते हैं, इनके अंदर बाइनरी फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, ठीक है, बडिंग, इस तरह की जो रिप्रोडक्शन की अलैंगिक जनन की जो क्रियाएं हैं वो यहाँ नहीं देखने को मिलती। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर कभी कभी एंजियोस्पर्मा का मतलब ही है कि बीज तो बनेगा, तो एक ऐसी विधि हमें देखनी है जिसके अंदर कि पेरेंट्स जो हैं वो बिना निषेचन के, बिना सलियन के बीज बना रहा है। ठीक है, सलियन होगा तो निश्चित रूप से दो अलग अलग गैमेट्स में बनेंगे, फ्यूज होंगे, और उनसे जो पादप निर्मित होगा वो पूर्णतया भिन्न होगा अपने जनक के, तो वो तो सीधे से बात है लैंगिक जनन में आ जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लेकिन हम यहाँ पे क्या डिस्कशन कर रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट जो आपको फोकसफुली समझना है वो समझना है अलैंगिक जनन, क्योंकि अलैंगिक बात आते ही तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो है द्विविभाजन, मुकुलन और ये सारी जो है बडिंग, बाइनरी फ्यूजन, इस तरह के जो मैथड है वो हमारे दिमाग में चलने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बात चल रही है एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर। तो बच्चों, एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर जब भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें करवाना है तो उस दौरान हमें बीज तो बनाना ही बनाना पड़ेगा। तो जब बीज बनाना है तो उसके लिए एक वो मेथड यूज करो अलैंगिक विधि के दौरान कि बीज भी बन जाए और संततियों की जनक से भिन्नता भी ना हो। तो इस तरीके का जनक हमें एंजियोस्पर्मिक अलैंगिक जनन के दौरान या आवृत बीजीय पादपों में अलैंगिक जनन के दौरान देखने को मिलता है। तो जो सबसे पहला मेथड हमें देखने को मिलता है वो ए गैमोस्पर्मी है, यानी कि बिना निषेचन के क्या बनाना है, हमें बीज बनाना है। तो इस विधि के दौरान क्या होता है कि इसमें बीज तो बनता है, इसमें प्रवर्धन
तो बीज के द्वारा ही होता है, यानी कि नए पादप का निर्माण तो बीज के दौरान ही होता है, लेकिन बीज के निर्माण के दौरान ना तो यहाँ पे, यानी कि बीज के निर्माण के दौरान ना तो यहाँ पे क्या होगा, ना ही तो अर्धसूत्रण होगा, अर्धसूत्रण भी नहीं होगा, और ना ही यहाँ पे युग्मक संलयन होगा। तो इस दौरान क्या होता है कि जो अंडप है, ओव्यूल जिसको हम बोलते हैं, तो ओव्यूल की कोई भी कोशिका आगे किसमें विकसित हो जाती है, बीज में विकसित हो जाती है, बिना अर्धसूत्रण और बिना युग्मक संलयन के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक गैमोस्पर्मी वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे जो बीज बन रहा है और इस बीज से जो नया पादप बनेगा, ये अपने जनक के पूर्ण समान होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने युग्मकों का संलयन भी नहीं करवाया और अर्धसूत्रण भी नहीं करवाया। तो इस तरीके की जो विधि होती है, तो इसमें बीज तो बन रहा है, लेकिन वो बीज जो है बिना अर्धसूत्रण और बिना युग्मक संलयन के बन रहा है। अंडक की कोई कोशिका आगे विकसित हो जाती है किसके अंदर, वो बीज बना देती है। तो ऐसे मेथड को, ऐसी विधि को हम एनिशेक बीजता के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट मेथड जो आता है अलैंगिक जनन का, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और वो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन। ठीक है, तो पहले हमें यहाँ पे कायिक प्रवर्धन क्या होता है ये हमें देखना पड़ेगा। देखो, पादप जो है उसके दो तरह के भाग होते हैं, एक जनन भाग होता है और एक कायिक भाग होता है। तो पहले मैं वो क्लियर कर देती हूँ, तब आपको अपने आप ही कायिक प्रवर्धन का मतलब समझ में आ जाएगा। देखो, पादप जो होते हैं ना, उसके दो तरह के भाग होते हैं, एक तो होता है कायिक भाग, ठीक है, और एक होता है जनन भाग, वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट। कायिक भाग कौन कौन से होते हैं, जड़, तना, पत्ती, ये कायिक भाग होते हैं। और जनन भाग में हम किसको रखते हैं, पुष्प को रखते हैं। जड़, तना, पत्ती से अगर नए पादप का निर्माण हो जाता है, का निर्माण हो जाता है, तो ऐसी विधि को हम क्या बोलते हैं, कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। और पुष्प के दौरान अगर नए पादप का निर्माण होता है, तो वो हमारा कौन सा जनन कहलाएगा, लैंगिक जनन कहलाएगा, क्योंकि पुष्प में फिर परागकण बनेंगे, अंडक बनेगा, उन दोनों में फिर निषेचन होगा, फिर बीज बनेगा जो कि अंडाशय में होगा। ठीक है, तो इस तरह के जो पार्ट होते हैं वो हम लैंगिक जनन में बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सरल भाषा के अंदर आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनके अंदर समझेंगे, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर आपका इसी से रिगार्डिंग है। लेकिन अभी तो हमें यहाँ पे मेन जो फोकस करना है वो किसके ऊपर करना है, कायिक जनन। तो कायिक भाग आपको पता चल गया, जड़, तना, पत्ती, इनसे अगर हम नए पादपों का निर्माण करवा देते हैं, तो ऐसे को हम कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन के नाम से जानते हैं। तो सीधी सी बात है, कायिक प्रवर्धन इस प्रकार का जनन होता है जिसके अंदर जो प्लांट है, यानी कि पादप है, उसके अंदर हमें बीज के अलावा किसी भी भाग के अंदर या किसी भी भाग से, यानी कि जड़, तना, पत्ती, वेजिटेटिव पार्ट से हमें नए जो है पादपों के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो कायिक प्रवर्धन कहलाती है। ठीक है, और कायिक प्रवर्धन के लिए जड़ का वो भाग या तने का वो भाग या पत्ती का वो भाग जो नए पादप को निर्माण करता है, उस भाग को हम किस नाम से जानते हैं, उस भाग को हम बोलते हैं प्रोपेग्यूल। प्रोपेग्यूल मतलब प्रवर्ध, जड़ का वो भाग या तने का वो भाग जो नए पादप का निर्माण करता है, उसे क्या बोला जाता है, प्रवर्ध बोला जाता है। यानी कि कायिक जनन के लिए उपयोग में लिए जाने वाले अंग, चाहे वो जड़ का हो, चाहे वो तना का हो, चाहे वो पत्ती का हो, क्या कहलाता है,
प्रोपेग्यूल यानी कि प्रवर्ध कहलाता है। तो आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, प्रवर्ध क्या है। तो हम पहले इसको परिभाषित करते हैं कि प्रवर्ध क्या है, क्योंकि ये आपका बोर्ड का क्वेश्चन बन सकता है कि प्रवर्ध को परिभाषित करो। तो आपको क्या लिखना है, कायिक जनन के लिए उपयोग में लिए जाने वाले अंग। अब ये अंग चाहे जड़ का हो, तने का हो या पत्ती का हो, क्या कहलाते हैं, प्रवर्ध यानी कि प्रोपेग्यूल कहलाते हैं। रूट, स्टेम और लीफ का वो भाग जो कि आगे न्यू ऑफस्प्रिंग बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, प्रोपेग्यूल कहा जाता है। अब हम देखते हैं, ये तो क्या प्रवर्ध, अब हम देखते हैं कि जो कायिक जनन है वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है, कायिक जनन के प्रकार देखते हैं। ठीक है, कायिक जनन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है, वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं, पहला जो है वो है प्राकृतिक, प्राकृतिक कायिक जनन, और एक होता है कृत्रिम कायिक जनन। सीधी सी बात है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और आर्टिफिशियल। ठीक है, तो ये तो हमारा कौन सा रहेगा, नेचुरल, और ये होगा आर्टिफिशियल। ठीक है, नेचुरल तो प्रकृति के अंदर अपने आप ही अगर जड़, तना, पत्ते का कोई भाग अलग होके नए पादप का निर्माण करवा देता है तो वो होगा प्राकृतिक, और अगर मानव द्वारा जड़, तने, पत्ते के किसी भाग को काट के या किसी और विधि से नए पादप का निर्माण किया जा रहा है, मानव निर्मित ये विधि है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, इसके अंदर हम किस किस के थ्रू, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर हम देखेंगे, तो यहाँ पे हम तनों के द्वारा देखेंगे किस तरीके से नए पादप बनते हैं, जड़ों के द्वारा देखेंगे नए पादप कैसे बनते हैं। ठीक है, और पत्तियों के द्वारा भी देखेंगे किस तरीके से नए पादप बनते हैं, और इसके अलावा इसके अंदर हम जननांगों के द्वारा भी हम देखेंगे, कभी कभी जननांगों के जो पार्ट होते हैं वहाँ पे कुछ ऐसी पुष्प कलिकाओं के स्थान पे कुछ ऐसे प्रकलिका का निर्माण हो जाता है कि वो आगे नए पादप निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो बेसिकली जो प्राकृतिक कायिक जनन है यानी कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर हम स्टेम के थ्रू, रूट के थ्रू, लीव्स के थ्रू या रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं उनके थ्रू अगर हम नए पादपों का निर्माण यानी कि इनके द्वारा हम क्या करेंगे, नए पादपों का निर्माण देखेंगे। ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, प्राकृतिक कायिक जनन। जबकि कृत्रिम की अगर हम बात करें तो बच्चों, कृत्रिम जो है इसके अंदर हमारे पास तीन मुख्य विधियां होती है। पहली होती है कृतन की, कृतन मतलब कटिंग। ठीक है, जड़, तना को काट के हम नए पादप का निर्माण करेंगे। एक होता है दाब लगाना यानी कि लेयरिंग। ठीक है, और एक हमारे पास तीसरी जो मेथड है वो देखेंगे हम, रोपण यानी कि ग्राफ्टिंग। ठीक है, तो ओवरऑल मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि जो हमारे पास कायिक जनन है यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन, आवृत बीजी जो पादप होते हैं उनके अंदर कायिक जनन किस तरीके से होता है। कायिक भाग आपको पता है जड़, तना, पत्ती, उनके द्वारा नए पादप बिना अर्थोत्तरण, बिना निषेचन के कैसे बनता है, उसको हम कायिक जनन कहते हैं। यही हमारा मेन एम है इस चैप्टर में समझने का। तो इस चैप्टर में अभी तक हमने ये देखा आवृत बीजी पादप क्या होते हैं, उनमें पीढ़ी एकांतरण क्या होती है, उसके बाद में देखा कि उनके अंदर अलैंगिक जनन किस तरीके से होगा, लैंगिक जनन के अंदर बिना निषेचन के हमें बीज बनाना है तो उसको हम अनिषेक बीजता, या फिर हम कायिक जनन के द्वारा भी
बीज उत्पन्न करने वाले पादपों का निर्माण करना है बिना अर्धसूत्र और बिना युग्मक संलयन के। तो कायिक जनन के ऊपर हम अगर बात करें तो दो प्रकार के थे, प्राकृतिक, प्राकृतिक रूप से देखेंगे जड़, तना, पत्ती और जननांगों के द्वारा नए पादप कैसे बनेंगे, और जबकि कृत्रिम कायिक जनन में हम क्या देखेंगे, कृत्रिम दाब लगाना या रोपण विधि से कैसे नए पादपों का निर्माण होता है। तो आज की क्लास में बच्चों सिर्फ इतना ही, और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन यानी कि प्राकृतिक कायिक जनन के बारे में, वो देखेंगे कि प्राकृतिक कायिक जनन के अंदर किस तरीके से नए पादपों का निर्माण किया जाता है। तो इस चैप्टर के अंदर हमने पहली चीज़ एक समझी है, इस जो चैप्टर का हमने परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन समझा है कि किस तरीके से इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से मैथड हमें डिस्कशन करते हैं करने हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में प्राकृतिक कायिक जनन के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।